सिर्फ अकेले परफॉर्म नहीं करते, पूरी दुनिया उनके साथ परफॉर्म करती है, जो भी लोग उनके सामने बैठ के एंजॉय करते सुनते हैं। और लाइव एग्जांपल तो आपके सामने, गोरियां देखो कैसे नाच रही। Do you understand what he said? What he said? अच्छा ये देखो दुनिया में कितना प्यार है, हम लोग इनके प्रोग्राम देखते रहते हैं, ये हमारे देखते रहते हैं। वेरी नाइस, शुक्रिया, थैंक यू गर्ल्स, थैंक्स, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां दिलेर बाजी के लिए। तो दिलेर बाजी कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स में आके? मुझे बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि जितने भी शोज मार्केट में चल रहे थे सब कोई यूरोप का कॉपी था, कोई अमेरिका का कॉपी था, सब कॉपी करके कोशिश कर रहे थे कुछ एक जगह बनाने की। लेकिन मेरे भाई का एक ऐसा शो है जो अपने आप में प्योर इंडियन और सिर्फ कपिल का ही अपना शो है। और बस यही इंतजार करते थे कि कब वो दिन आएगा कि मैं भी शो में शामिल होऊंगा। भाई हम तो हमेशा से आगे पीछे आके आपका इंतजार कर रहे थे, आपके पास टाइम नहीं, कभी अमेरिका तो कभी लंदन कभी स्पेन, अब क्या करें। सो मैं बिकॉज दलेर पाजी को जिन्होंने देखा पहली एल्बम बोलो तारा जब रिलीज हुई, तो लोगों ने ओवरनाइट देखा एक सुपरस्टार को, लेकिन पाजी उसके पीछे की मेहनत जो है वो शायद कोई नहीं जानता होगा। सो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की, कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ से आपने सीखना शुरू किया? मेरा जन्म तखसरी पटना साहब बिहार में हुआ है। मेरे फादर साहब अजमेर सिंह जी और माता मेरी बलवीर कौर, जो कि गुरुद्वारा साहब में ही कीर्तन करते थे। और मेरा जन्म से पहले ही मेरा नाम जो था, जब मैं कहते हैं कि माँ के पेट में भी नहीं था, तो हमारे माता पिता ने सोचा अगर हमारे यहाँ बेटा होगा, अगर बच्चा होगा, तो उसका नाम हम दलेर सिंह रखें, डाकू दलेर सिंह रखेंगे। तो भगवान ने सुनी और कहते हैं कि जब पैदा हो गया तो नाम तो उन्होंने सोचा था, पर जर्नी हरदम गुरुद्वारे से नाम रखते हैं, तो सोच रहे थे कहीं कहीं और कोई और वहाँ पे अक्षर या लेटर निकल आया तो पता नहीं क्या होगा, हमने तो दलेर सोचा था। तो गुरु महाराज की कृपा से वहाँ पे जब गए हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में भी फिर जो लेटर था वो डी ही निकला, तो इस तरह मेरा नाम हुआ। और माँ बाप से मैंने पहले म्यूज़िक सीखा, कीर्तन सीखा, राग सीखे, फिर मेरे उस्ताद लेट उस्ताद श्री राहत अली खान साहब जो गुजर चुके हैं, उनसे मैंने फिर पटियाला घराना से उनकी गज़लें सीखी, गाना सीखा गोरखपुर से। इस तरह मेरा ये सफ़र शुरू होता 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 फिर थोड़ा सा नाम मशहूर हुआ। दलेर मेहंदी मेरा नाम जो शुरू हुआ था मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ अभी आए हुए हैं अमरजीत सिंह, ये कहते यार मैं परवेज़ मेहंदी साहब की गज़लें बहुत गाता था, तो कहते यार मैं तेरा एक ना सोचा है, ना रखना है। तो आगे पीछे मुझे बहुत काफ़ी उन्होंने बुरे बुरे नाम दिए थे, मैं कहता रहने दो यार मुझे नहीं चाहिए नाम। वो कहते नहीं यार तू सुनता है, तो तेरा नाम रख दे दलेर मेहंदी। मैं कहा नाम तो ठीक है पर हम लोग सिखों के घर में पैदा हुए हैं, सिखों के बच्चे हैं, पर मेहंदी से लोग सोचेंगे शायद ये मुस्लिम या मोमडन है। बोलते यार जो जो अच्छे गाने वाले होते हैं ना तो उनका सब सब धर्म से प्यार होता है, उनका कोई धर्म नहीं होता, सबको प्यार करने वाले होते हैं। देखे ना जो दलेर शब्द है ना इसमें से पंजाबियत छलकती है। थैंक यू। तो मैं आपको ये कहूंगा आज, ये नजरें नहीं बनी झुकने के लिए, पंजाबी जी कहना ए नजरां नहीं बनिया झुकन वास्ते, ए ते बनिया ने शहीदियां खुमारियां दे लई, दो कम्मां वास्ते साडे सिर बने या आरियां दे लई ते या सरदारियां दे। वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू।